तो भाई साहब आखिर में ढूंढते ढूंढते आप पहुंच ही गए तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है तो पिछले 3 साल का आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होने वाला है अगर आप 3 साल का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। अगर 1 साल का भी निकालना चाहते हैं उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगर 6 महीने के लिए निकालना चाहते हैं, पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका भी प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ तक अगर आप 1 महीने के लिए पासबुक निकालना चाहते हैं उसका भी इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं एमकेपी गुड टिप्स चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे onlinesbi.com। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएंगे, इस पेज का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद पर्सनल बैंकिंग के नीचे में एक लॉगिन बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बाय स्टेप जानेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप नेट बैंकिंग का यूज़र नेम इंटर करेंगे, उसके बाद नेट बैंकिंग का पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे और ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं 599KP6 यहाँ पर आपको इंटर करेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और OTP दे देंगे। अगर किसी कारणवश OTP नहीं आता है तो क्लिक हियर टू रिसेंट द OTP पे क्लिक करेंगे तो दोबारा OTP आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे OTP इंटर करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। OTP इंटर करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपका जो है यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम है SBI नेट बैंकिंग। तो सबसे पहले आपको पासबुक डाउनलोड करने के लिए या स्टेटमेंट देखने के लिए तो यहाँ पे आ जाएंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, ऊपर में जो है 3 लाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट समरी है, अकाउंट स्टेटमेंट है, तो अकाउंट स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में एक पेज खुलेगा, जैसा कि यहाँ पे आपका अकाउंट का पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाया जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपका अकाउंट नंबर होगा सारा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा ये सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इनका मुझे स्टेटमेंट देखना है और डाउनलोड भी करना है। तो इस पेज को ऊपर करेंगे और ऊपर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको तरह तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बाय डेट से भी कर सकते हैं, बाय मंथ से भी, लास्ट 6 मंथ का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन का सारा मैं इस डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आप अपने खाते का, अपने SBI बैंक का अकाउंट का पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बाय डेट से। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट है, तो यहाँ पे कब से आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, जैसे जनवरी 2022 है तो हम देखना चाहते हैं 2020 से, तो यहाँ पे अक्टूबर 2020 कोई भी यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और आज तक का हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। आज है 4 तारीख, यहाँ पर हम इंटर कर दिए, तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है स्टार्ट डेट, यानी कि कब से कब तक आप देखना चाहते हैं उसका डेट यहाँ पर इंटर करेंगे। तो मेरा है 7/10/2020 और 4/1/2022 बुक डाउनलोड करना है। अगर आपको देखना है तो बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा यहाँ पे डिटेल दिखा दिया जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड इन MS एक्सेल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको MS एक्सेल फॉर्मेट पे आपको डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट। तो अगर आपके पास ये मोबाइल में या ओपन कर रहे हैं, मोबाइल में ये चेक कर रहे हैं, ये डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट। तो यहीं पे आप क्लिक करके जो है आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड टू DigiLocker है, ये जो है इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, तो ये DigiLocker में किस तरह से अपलोड करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप ये जानिए किस तरह से आपको पासबुक डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको देखना है। तो ये हो गया बाय डेट से, उसके बाद बाय मंथ पे हम क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए बाय मंथ का मतलब ये है, जैसे कि ईयर 2022 चल रहा है और आपको जनवरी का देखना है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको
पीडीएफ में निकालना है। अगर आपको देखना है सिर्फ, डाउनलोड नहीं करना है, तो व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं लास्ट 6 मंथ, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि आज जो डेट है, जो जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, इस डेट से लेके लास्ट के आपको 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड इन पीडीएफ, पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद गो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड है फाइनेंशियल ईयर, तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021-2022 का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप 3 साल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जैसे कि 19-20 का आप निकाल सकते हैं, 20-21 का निकाल सकते हैं, 21-22 का भी निकाल सकते हैं। अगर 19 से लेकर 20 तक आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको 20 से 21 तक निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको 21 से 22 तक निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो ये आपकी इच्छा है, तो ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2019 से 20 तक हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए व्यू करना और चीज़ आ जाता है, देखिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड पेज। तो यहाँ पर आप जब आप क्लिक करते हैं पेज का, या 50 का, या 100 का, या 125 का, तो यहाँ पे हम कहते हैं ऑल पे ही रहने दीजिए। ऑल रहेगा तो आपका सारा यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, आप 3 साल का करेंट डेट के अनुसार आप निकाल सकते हैं, यानी कि 36 मंथ, यानी कि 3 साल का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मंथ फॉर ईच स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, यानी कि एक बार में आप 12 ही मंथ का आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों साल का एक साथ आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वन बाय वन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको 19 से 20 का डाउनलोड करना है, सिर्फ आप 19 का 20 का ही डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे 20-21 पे आएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से डाउनलोड करेंगे। 2019-2020 का आप डाउनलोड कर लिए, इसके बाद फिर से यहाँ पे 2020-21 पे क्लिक करेंगे, गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 21 और 22 का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊँगा, जैसे कि बाय मंथ है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको 2022 में जनवरी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और देखना है तो व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो गो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया। लास्ट 6 मंथ है तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, और हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड इन पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे, गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी डाउनलोड हो चुका है, इसको हम अभी ओपन नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फाइनेंशियल ईयर मैं आपको बताया, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चलिए फाइनेंशियल ईयर पे हम क्लिक कर दें। यहाँ पे 2019 और 2020 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 20 और 21 का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये भी आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप 3 साल का डाउनलोड कर सकते हैं। तो 21-22 का डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 मंथ का एक बार ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए जो भी डाउनलोड किए वो मैं आपको दिखा, बुक जो है कहाँ पर आया है, तो फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासबुक यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ये पूरे 1 साल का है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरह से अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आप घर बैठे पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें पूछ सकते हैं।